हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो हम फिर से एक नई न्यूज़ अपडेट लेके आए हैं। यूपी बोर्ड का 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस किया जाएगा, तो इसकी ऑफिशियली डेट भी आ चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो कब फाइनल होने वाला है। तो जिस यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, करीब 58 लाख बच्चे, सबका इंतज़ार जो है वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जो है ये 30 अप्रैल को दोपहर 12 से 1 के बीच में जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो आज के न्यूज़पेपर में ये भी दिखाया गया। तो चलिए मैं न्यूज़पेपर में आपको जितना कुछ पब्लिश हुआ है वो सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी, न्यू अपडेट होगी, वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, MyGT है 25 अप्रैल आज का, और अमर उजाला न्यूज़पेपर अलीगढ़ सिटी का। तो अलीगढ़ के जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे क्या छपा हुआ तो वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ। यूपी बोर्ड रिजल्ट 30 अप्रैल को ख़त्म होगा इंतजार। प्रयागराज यानी हाई इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज, वहाँ से इसको जो है वो अनाउंस किया गया। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित होगा। बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शासन के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा परिणाम लगभग तैयार है, इसे 30 अप्रैल तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव एवं उनकी टीम लगभग एक सप्ताह से परीक्षा परिणाम का अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में है। इस कारण से यूपी बोर्ड के अधिकारी परिणाम अब घोषित होगा, इस बारे में कुछ भी बोलना से पहले बच रहे हैं। यूपी बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में शासन को अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में अब की बार हाई स्कूल में 31,95,603, इंटरमीडिएट व 26,11,319, कुल मिलाकर 58,06,922 विद्यार्थी शामिल हुए। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हुई, क्रमशः 14 कार्य दिवसीय, 16 कार्य दिवसीय में पूरा हुई। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कापियां मूल्यांकन 8 से 24 मार्च के बीच पूरा करने के बाद 1 महीने से बोर्ड के अधिकारी परीक्षा परिणाम तैयारी करने में लगे हैं। तो फिलहाल आपने जो देखा कि यहाँ पे जो बोर्ड का रिजल्ट है वो फाइनली बल्कि तैयार हो चुका है, बट यहाँ के जो बट इसके जो चेयरमैन हैं वो अभी दिल्ली में गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो बाकी अधिकारी हैं ये अभी इसका जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के, ठीक है। तो इनका जो बोर्ड के जो सचिव है नीना श्रीवास्तव, ये अभी दिल्ली में है, जैसे ही ये यूपी में आएंगे तो इनकी जैसे ही परमिशन मिल जाएगी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दीजिएगा। तो आपका रिजल्ट किस किस वेबसाइट पर आएगा, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक भी बहुत होगा। तो मैंने अपने पीछे वाली वीडियो में आपको वो 4 वेबसाइट का लिंक आपको मैंने बता दिया कि आप उन वेबसाइटों पर जाके अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, तो कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है और कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिलने वाला है और अपना रिजल्ट आप सबसे जल्दी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।